नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर से विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 बीघा जमीन पर ये अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। दरअसल भोपा रोड स्थित मुस्तफाबाद गाँव में अंकित बंसल नाम के व्यक्ति के द्वारा 100 बीघा जमीन में एक अवैध कॉलोनी बनाई गयी थी, जिसकी कीमत तकरीबन 60 लाख बताई जा रही है, जिस पर आज एमडीए के द्वारा बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक इस कॉलोनी पर एमडीए के द्वारा पहले भी एक बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन जनपद में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई के बाद भी फिर से वह लोग कॉलोनी को बसाने लगते हैं। तरफ से की गई है, आज एमडीए द्वारा जो मुजफ्फरनगर में जो अवैध कॉलोनियां बनाई गई थी उस पे प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है। यहां ग्राम मुस्तफाबाद में भोपा रोड में एक गाँव है, वहाँ पर अंकित बंसल नाम के किसी व्यक्ति द्वारा लगभग 100 बीघे में अवैध कॉलोनी एक बनाई गई थी, उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। आज पहले भी इस भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर से वहाँ पे निर्माण शुरू हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इनके खिलाफ सक्षम धाराओं में FIR दर्ज कराई जाएगी और इनके खिलाफ एंटी भूमाफिया की कार्रवाई भी की जाएगी। कितनी भूमि कीमत कितनी होगी? लगभग 60 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही है जिस भूमि पर इन्होंने अवैध प्लाटिंग की थी। MDA अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और इन सब के विरुद्ध दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग भी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण नहीं होगा। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।